भिलवाड़ा का आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई की है। जहरीली शराब से हुई मौतों से जिले का आबकारी विभाग एक्शन में है और इसी के चलते मंडल में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया और मेजा रोड पर अवैध शराब को नष्ट किया और भट्टियों को भी तोड़ा। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भिलवाड़ा के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के बर्थडे पर बिजौलिया क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत समिति कार्यालय अरोली टोल नाके और पंचायत सहायक संघ द्वारा उनका स्वागत हुआ। वहीं उन्होंने श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पहुंचकर मुनिश्री सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद भी लिया। समर्थकों द्वारा भीलपुरिया और सीएससी में कंबल बांटे गए। इस दौरान उन्होंने राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ भी किया। वहीं उन्होंने कोरोना काल में सीएससी में ऑक्सीजन सिलेंडर और नगद धनराशि देने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भिलवाड़ा के रायला थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी करते हुए एक ट्रक से 1.5 किलो अफीम और 20 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक चालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अफीम और डोडा चूरा को पंजाब से लाया गया था और दरअसल अजमेर भीड़वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायला थाने के बाहर पुलिस ने नाकेबंदी की और इस दौरान अजमेर की ओर से ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें 1.5 किलो अफीम और 20 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। इस पर पुलिस ने ट्रक चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के डीग स्थित वहज ग्राम पंचायत में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। दरअसल ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास परियोजना में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने का लोगों ने भी विरोध किया। इस दौरान भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। वहीं ग्राम पंचायत वहज के ग्राम विकास अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि ब्रज 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में 85 पक्के अतिक्रमण थे जिसे जेसीबी की सहायता से करीब 50 अतिक्रमणों को हटाया गया और इस दौरान मौके पर गिरदावर पटवारी सहित भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। रायसेन के सिलवानी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर में बैठकर किसान सिलवानी के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः बजरंग चौराहा पर एक सभा का आयोजन करने पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या में किसान नेताओं ने सभा के माध्यम से अपनी बात रखी। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून भी बनाना चाहिए। वहीं बड़ी संख्या में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो आगामी आंदोलन को और भी उग्र बनाएंगे। कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और रायसेन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और आगे के प्रदर्शन पर रणनीति भी तैयार की। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और साथ ही एमएसपी की गारंटी की भी मांग कर रहे हैं और सरकार और किसानों की बातचीत भी जारी है लेकिन बात नहीं बन रही है। इस पूरे प्रदर्शन का कोई समाधान कोई हल नहीं निकल रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है दिल्ली में जिसको लेकर देश भर के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।